वेलकम माय फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में ऑल इन अनुराग। इस चैनल में आपको फनी वीडियोस, टेक्निकल वीडियोस और नीचे से रिलेटेड वीडियोस मिल जाती हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा चैनल बढ़ेगा, और मैं विश्वास करता हूं अगर हम लोगों की फैमिली में प्यार रहेगा और इसी तरह हमारा आप लोग साथ देंगे और हमारी वीडियो देखेंगे, तो हो सकता है हमारा चैनल 100 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए। और मैं आपसे एक विनती भी करता हूं कि अगर हमारा चैनल 100 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाता है तो मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसको देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। आज का हमारा टॉपिक है कि प्लांट में जो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं उसको ठीक कैसे करें। प्लांट तो बहुत सारे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो प्लांट हैं वो बहुत, एक तो दिखने में प्यारे होते हैं, छोटे से प्लांट होते हैं। कुछ प्लांट तो बहुत अच्छे दिखते हैं, और क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग जिंदा रहते हैं, हम लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, मतलब हम लोगों के लिए ऑक्सीजन बहुत नेसेसरी है। उसी तरह से जो प्लांट होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। जब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड सही से मिल जाती है और सूर्य मतलब जो सन की रेस उन्हें सही से मिलती हैं, तो उससे वो लोग अपना भोजन बनाते हैं, इससे क्लोरोफिल होता है। अगर वो क्लोरोफिल ढंग से नहीं बन पाता है तो कभी कभी प्लांट में ऐसी डिजीज हो जाती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये मैंने एक फ़ोटो खींची थी, आप लोग देख सकते हैं कि जो चारों ओर है, एक तो उसमें डस्ट बहुत सारी लगी है और इसमें देखिए फट गया है। कुछ रीजन तो कभी कभी ऐसे होते हैं कि जो कीड़े होते हैं वो प्लांट्स को ख़राब कर देते हैं। इसीलिए मैंने इंटरनेट पे काफ़ी चीज़ें सर्च की, काफ़ी जगह देखा, और तब जाके मैं एक ये एप्लीकेशन पाया हूँ जिसका नाम है प्लांटिक्स। प्लांटिक्स में आप किसी भी तरह के प्लांट में जो भी कोई दिक्कत होगी, जो भी कोई डिजीज होंगी, उसमें आप फ़ोटो खींच के डालिए। जैसे कि देख सकते हैं, ये है, अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इसमें कौन सी डिजीज़ है। आप देख सकते हैं, इसको मैंने चेक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे उससे रिलेटेड बहुत सारे निकल के आ गए, किस तरह से दिक्कत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला तो उसमें दिखा रहा है सूटी मोल्ड। अगर इनमें से काफ़ी आपको रिजल्ट शो करेंगे, इनमें से जो आपका रिजल्ट सही हो उस पर आप क्लिक कर दीजिए, और आपको उसी चीज़ की मतलब जो डिजीज़ होगी उसका आपको उसी के दवाइयाँ बता दी जाएंगी, और काफ़ी चीज़ें होंगी इसमें, काफ़ी चीज़ें की हेल्प होती है, जिससे हेल्प करके आप प्लांट्स को बचा सकते हैं। पेड़ों को आपको लगाना चाहिए, ना कि उखाड़ना चाहिए। यदि अगर आप पेड़ों को लगाएंगे तो अच्छा है। एक बात, अगर पेड़ों को लगाएंगे तो वो दिखने में भी अच्छे लगते हैं, और काफ़ी चीज़ें वो देते हैं, और दिखने में तो वो अच्छे लगते ही हैं। कभी कभी उनको कीड़े ख़राब कर देते हैं। कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जो कि हम लोगों को फल देते हैं, फूल देते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं देते हैं। जिस तरह हमारे पास दिल होता है, प्लांट्स के पास भी मतलब दिल नहीं होता है। दिल होता है कि नहीं होता है वो तो अभी मुझे, मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ जिस तरह हम लोग जिंदा रहते हैं उस तरह प्लांट्स को भी जिंदा रहने कहा गया। प्लांट्स ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं कभी कभी नहीं सही होते। जिस तरह हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो हम लोगों को डॉक्टर की आवश्यकता होती है, डॉक्टर नेसेसरी होता है, हम लोगों को डॉक्टर की जरूरत होती है। उसी तरह हम लोगों को प्लांट्स के लिए डॉक्टर की तरह बनना चाहिए, प्लांट्स के लिए डॉक्टर बनना चाहिए, और जो उसमें दिक्कत हो उसका, उसमें जो भी डिसीज़ हो उसको हमें ठीक करना चाहिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जो मैंने फ़ोटो खींच के डाली थी वो रिलेटेड है, अभी आप दिखाता हूँ मैं आपको, देख सकते हैं अभी, ये देखिए इस तरह से मेरे प्लांट में इस ये दिक्कत है। इसको बोलते हैं हम लोग एथ्राकनोस ऑफ सिट्रस। इसमें इसके बाद कंपेयर करेंगे, ठीक है। देखिए अब इसके बाद लिख के आ गया कि इसमें इंटरनेट सेल होती है, लाइट ठीक सही से नहीं मिल पा रही है, बायोलॉजिकल कंट्रोल किस तरह इसको आप सही कर सकते हैं, केमिकल कंट्रोल, ऑलवेज कंसाइडर एन इंटीग्रेटेड अप्रोच विथ प्रिवेंट मेजर टुगेदर इन बायोलॉजिकल। इसके बाद सो मोर पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें जो भी है सिम्टम्स कैसे होता है, किस तरह से होता है, सब इसमें शो करने लगेगा। उसके बाद केमिकल कंट्रोल ये सब शो करेगा। उसके बाद अगर आपको इसकी दवाई का या इसके उपचार का कोई भी
साधन नहीं मिलता, कोई भी तरीका पता नहीं चलता, तो आप पोस्ट टू कम्युनिटी में जा सकते हैं। वहाँ पे अपना टाइटल लिखिए, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो है, और अपना एक मैसेज लिखिए। मैसेज टाइप करने के बाद उसको आप सेंड कर दीजिए, जिससे कुछ समय बाद ही आपके पास उसका रिप्लाई आएगा, और उसमें उसकी दवाई और उसमें जो भी दिक्कत है उसको बता दिया जाएगा, जिससे कि अगर आप ये काम करेंगे तो अच्छा होता है। प्लांट्स को बचाना चाहिए, प्लांट्स को लगाना चाहिए, जहाँ पेड़ कट रहे हों उनको, उन पेड़ों को कटने से रोकना चाहिए, और उन्हें बताना चाहिए कि प्लांट्स हमारे लिए कितने, किस तरह से बहुत उपयोगी हैं। इट्स अ वेरी यूजफुल थिंग। आई हैव वन थिंग टू से, टू हेल्प द प्लांट्स लाइक योर फादर, लाइक फादर हेल्प्स यू इन एनी टाइम्स एनीवेयर। You need to be the father of your plants. And thank you for watching my video. आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, और अपने दोस्तों से भी कहें कि इसे शेयर करें, इससे कि जो मेरी वीडियो है, मेरी वीडियो के थ्रू लोगों को पता चल सके कि जो प्लांट्स हैं उनको, उनकी मदद करनी चाहिए, कि इस दुनिया में काफ़ी कम लोग हैं जो कि प्लांट्स के बारे में सोचते हैं, और प्लांट्स के बारे में सोचते हैं, प्लांट्स अगर ख़राब हो रहे होते हैं तो उनकी मदद करते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं उनसे बहुत चीज़ें ही मिलती हैं, हम लोगों को बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे तुलसी होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, तुलसी जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है, जिससे दवाइयाँ बनती हैं। इसी तरह मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, और कृपया मेरी वीडियो को, प्लीज़ मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और उनसे भी कहें शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा कि ये बात सब लोगों को पता चलेगी, जिससे कि जो पेड़ कटेंगे वो कटने से बंद हो जाएंगे, और जहाँ पे भी आप देखें कि पेड़ कट रहा है उसे रोकें और इसके बारे में बताएं। और पेड़ों को कटने से रोकने के लिए देश में काफ़ी तरह के ट्री हेल्पलाइन होती हैं, जहाँ पर आप फ़ोन मिला के अगर कट रहे हैं तो रोक भी सकते हैं, कि आपको पेड़ों को लगाना चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। अगर आप पेड़ काटेंगे तो कभी कभी ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपने सुझाव हमें आप कमेंट कर सकते हैं, आपके मन में जो भी है, जो विचार हैं उसको आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं, और मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में लाइक लिख दीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे कमेंट करें कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं।